सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य आनंद मिश्रा कि नवरात्रि में श्री महाकाली का कैसे आगमन हुआ, उनके उत्पत्ति का कारण क्या है। माँ जगदम्बे असुरों का संहार कर रही थी, तब रक्तबीज असुर से युद्ध हो रहा था। जितनी बार उनका सर काटा जाता था उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे, इसलिए वहाँ महाकाली का उत्पत्ति हुआ और रक्तबीज के रक्त को पान करने लगी और उसके सिर को मुंडों की माला बनाकर धारण कर लिया गहना समझकर। देवी पुराण के अनुसार मार्कंडेय जी बोलते हैं, असुर के रक्तबीज असुर का संहार करके उसके सिरों के मुंडों की माला पहनकर महाकाली क्रोधवश पूरे असुरों का संहार करते हुए इस पृथ्वी लोक से असुरों का विनाश कर दी, और तभी ही महाकाली का देवी पुराण के अनुसार उत्पत्ति होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली जो असुरों का संहार करती हैं, महालक्ष्मी जो हमको रिद्धि सिद्धि सहित लक्ष्मी प्रदान करती हैं, और महासरस्वती जो हमें विद्या और ज्ञान प्राप्त करती हैं।